हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायका विद फरहत। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चिकन कटलेट की रेसिपी। ये बहुत ही अच्छा स्नैक है और बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी घर में बन जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 200 ग्राम चिकन। इसे ऐसे टुकड़ों में काट लें। आलू 2 बॉयल किया हुआ, इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। ब्रेड क्रम चाहिए होगा हमें 1 कटोरी। अंडा 1, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, कुटी काली मिर्च आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक अच्छे से ग्रेट किया हुआ, हरी मिर्च फाइनली चॉप्ड, 2 कुकिंग ऑयल हमें इसे फ्राई करने के लिए, नमक स्वादानुसार, धनिया पत्ता 1 कटोरी, 1 बड़ा प्याज फाइनली चॉप्ड। सबसे पहले हम एक पैन में फिर चिकन को डालेंगे। इसमें ऐड करेंगे ये सारे सूखे मसाले, नमक हम आधा ही यूज़ करेंगे, आधा हम बाद के लिए करेंगे। गार्लिक पेस्ट मिक्स करेंगे इसे। इसमें डाल देंगे 1/2 ग्लास वाटर, ढक देंगे इसे और 15 मिनट छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए और सारा पानी सूख जाए। चेक कर लेते हैं चिकन को। ये देखिए चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है और पानी भी बिल्कुल सूख गया है। अब इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे हाथों से रेशा रेशा कर लेंगे। चिकन हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब अभी इसे हाथों से ऐसे ऐसे रेशा रेशा कर लेंगे। आप चाहें तो इसके लिए ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे चिकन को मैंने अच्छे से श्रेडेड कर लिया है। अब पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। इसमें ऐड करेंगे ये अदरक और हरी मिर्च, प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे, इसे बड़े बाउल में निकाल लेंगे। चिकन में अब ऐड कर देंगे ये आलू, हरा धनिया, डालेंगे आधा चम्मच, मिक्स करेंगे इसे। ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार है। इसे अब हम कटलेट का शेप देंगे इस तरह से। बाकी के भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे कटलेट्स यहाँ रेडी कर लिए हैं। ब्रेड क्रम्स को आप ऐसे प्लेट में फैला लें। अंडे को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। इसमें मैंने 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च ऐड किया था और इसे अच्छे से एकदम बीट कर लिया। अब हम अपना कटलेट्स कोट करेंगे। पहले हम इसे अंडे के में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स इस पे कोट कर लेंगे। सारे कटलेट्स को मैंने कोट कर लिया अच्छे से। अब इसे फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1-1 करके कटलेट अपने डालेंगे। एक मिनट बाद हम इसे पलट लेंगे फोक की मदद से। कटलेट्स हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है अच्छे से। निकालेंगे इसे हम टिश्यू पे। बाकी के कटलेट्स भी आप इसी तरह से फ्राई कर लें। तो लीजिए हमारा कटलेट बिल्कुल रेडी है। इसे सर्व कीजिए आप टोमेटो सॉस।